हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड इन यूर स्टडीज एम आई टी टीचर मिसिज प्रीति मलिक वेलकम यू टू माई क्लास आज हम करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट का हमारा लास्ट सेशन विच इज सेशन नंबर फोर्टीन आस्किंग फॉर डिरेक्शंस कम्युनिकेशन स्किल जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका ये लास्ट सेशन है और लास्ट सेशन जो हमने इससे पहले किया था दैट वॉज द हैबिट्स एंड रूटीन विच वर्ड्स और

विच इज़ आस्किंग फॉर directions. हैव यू एवर बीन lost एंड आस्क अदर्स फॉर directions? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं पे जा रहे हो आप गुम हो गए हो और आपको किसी से रास्ता आपने पूछा हो हैव यू sometimes गिव डायरेक्शन to अदर्स क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को डायरेक्शन दी हो इस लेसन के अंदर इस सेशन के अंदर हम यही सीखेंगे अगर आपको डायरेक्शंस लेनी है किसी प्लेस के बारे में वो आप कैसे लोगे और अगर डायरेक्शंस देनी है तो आप कैसे दोगे सबसे पहले आता है हाउ टू आस्क फॉर और गिव डायरेक्शंस आप कैसे पूछोगे डायरेक्शंस के बारे में या डायरेक्शंस कैसे दोगे व्हेन यू नीड टू गो टू ए न्यू प्लेस व्हाट डू यू डू अगर आप किसी नई जगह पे जाते हो तो आप क्या करोगे ऐसा तो नहीं है आपको सभी जगह के बारे में सभी डायरेक्शन या सभी रास्तों के बारे में आपको पता हो किसी न किसी से तो आप पूछोगे या फिर गूगल मैप का यूज़ करोगे क्योंकि ऐसा कोई पर्सन नहीं हो सकता जिसको हर जगह के बारे में पता हो दैट इज़ नॉट पॉसिबल तो आप क्या करोगे यू आस समी और यूज़ ए मैप या तो आप गूगल मैप यूज करोगे या आप किसी से डायरेक्शन्स लोगे वेन यू आस्क सम वन यू आस पोलाइटली जब भी आप किसी से कुछ पूछना है आपको हेल्प लेनी है या डायरेक्शन्स लेनी है आप उनसे क्या करोगे पोलाइट वे में नम्रता पूर्वक आप उनसे पूछोगे स्टार्ट बाई सेंग एक्सक्यूज मी और ग्रीटिंग दैम या तो आप अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे एक्सक्यूज मी बोल के या फिर आप उनको पहले ग्रीट करोगे टाइम के अकॉर्डिंग अगर मॉर्निंग में आप पूछ रहे हो आपको गुड मॉर्निंग बोल सकते हो आफ्टरनून में किसी से डायरेक्शन ले रहे हो तो गुड आफ्टरनून बोल बोल सकते हो सिमिलरली अगर आप इवनिंग में किसी से बात कर रहे हो डायरेक्शंस ले रहे हो तो आप उनको ग्रीट करने के लिए गुड इवनिंग बोल सकते हो आप क्लियरली फॉर द प्लेस वेयर यू वांट टू रीच आप जहाँ पे जाना चाहते हो जहाँ पे पहुँचना चाहते हो उसके बारे में आपको क्लियरली पूछना है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपको जाना है सेंट्रल स्कूल राजा नगर रेलवे स्टेशन कवि नगर पोस्ट ऑफिस एडमिशन ऑफिस इन साइड ए बिल्डिंग अगर आपको इनमें से किसी भी जगह पे जाना है तो आप क्या से आप डायरेक्शंस लोगे सबसे पहले आता है डायरेक्शंस लेने के लिए आप अपनी कन्वर्सेशन कैसे शुरू करोगे कैसे आप किसी से पूछोगे आप उनको बोल सकते हो एक्सक्यूज़ मी कैन यू प्लीज टेल मी द वे टू द नेशनल बैंक क्या आप मुझे नेशनल बैंक जाने का रास्ता बता सकते हैं एक्सक्यूज़ मी च वे इज द रेलवे स्टेशन आप उनको बोल सकते हो एक्सक्यूज मी रेलवे स्टेशन जाने के लिए रास्ता कौन सा है एक्सक्यूज मी डू यू नो द वे टू द गांधी नेशनल म्यूजियम क्या आपको पता है गांधी नेशनल म्यूजियम जाने के लिए कौन सा रास्ता है कैन यू टेल मी द डायरेक्शन फॉर रीचिंग योर होम फ्रॉम द टाउन हॉल क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके घर से टाउन हॉल जाने के लिए मुझे कौन कौन से डायरेक्शन लेनी चाहिए दूसरा पर्सन जिनसे आप पूछ रहे हो पोलाइट वे में वो क्या करेगा आपको डायरेक्शंस देगा कि आपको कहाँ पे जाना है कितना जाना है कौन सी डायरेक्शन में जाना है कौन से टर्न्स आपको लेनी है वो आपको क्लियरली बताएगा जैसे अगर हम किसी को डायरेक्शंस देते हैं तो नीचे जो दिए गए हैं टर्म्स फॉर गिविंग डायरेक्शंस हम उनका यूज करते हैं जैसे टर्न लेफ्ट टर्न राइट यू टर्न गो स्टेट गो पास्ट और क्रॉस जैसे कई बार आप कहीं पर जाओगे किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में साइन पोस्ट भी लगे होते हैं कि वहाँ तक जाने के लिए यू टर्न लीजिए इस तरह से अगर आपको डायरेक्शन देनी है तो आप इन टर्म्स का यूज़ कर सकते हो अगर कोई आपको से डायरेक्शंस लेता है तो आपको इसी तरह से मेथड का सेम मेथड का यूज़ करते हो उनको डायरेक्शंस देनी है आप जब किसी को रास्ता बताते हो तो आपको वो रिपीट करना है ताकि सामने वाले पर्सन को क्लियरली वो समझ आ जाए उसके बाद मान लो हमने किसी से डायरेक्शन ली जब लास्ट में हम वहाँ से जाते हैं या लीव करते हैं, उस पर्सन के पास से जाते हैं तो उनको थैंक यू बोलना ना भूलें जिन्होंने आपकी हेल्प की है जिन्होंने आपको डायरेक्शंस दी है हमेशा उनको थैंक यू जरूर बोलना चाहिए कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो थैंक यू बोलने के लिए यूज़ किए जाते हैं जब आप किसी से डायरेक्शंस लेते हो टेबल में एक्सप्लेन किया गया है कौन से वर्ड्स हैं सबसे पहले फ्रेज़ आता है थैंक यू दिस इज़ अ पोलाइट वे टू आंसर वेंस एनी वन हेल्प यू ये सबसे पोलाइट वे है किसी को भी धन्यवाद करने का जब कोई हमारी हेल्प करता है कोई हमें रास्ता बताता है उसके बाद नेक्स्ट रेज जो हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ थैंक्स इट मीन्स द सेम थिंग ये भी सेम है थैंक यू की तरह ही बट इज़ मोर कैजुअल ये ज़्यादा कैजुअल वे में है ये हमें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के लिए ही यूज़ करना चाहिए अगर आप कहीं पे जा रहे हो किसी अननोन पर्सन से आप रास्ता पूछते हो या फिर अपने टीचर से कुछ पूछते हो तो आपको क्या करना है थैंक्स के बजाय थैंक यू बोलना है थैंक्स मोस्टली हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए यूज़ करते हैं नेक्स्ट फ्रेज जो आप यूज़ कर सकते हो आई अप्रिशिएट दैट दिस इज़ वन मोर पोलाइट वे टू आंसर वेन सम वन डज समथिंग फॉर यू ये एक और पोलाइट तरीका है किसी को आंसर करने का थैंक यू बोलने का जब कोई आपके लिए कुछ करता है उसके बाद नेक्स्ट फ्रेज जो आप यूज़ कर सकते हो आई रियली अप्रिशिएट दैट यू कैन यूज दिस फॉर सम वन वू गोज आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प यू ये फ्रेज हमें उस टाइम पे यूज़ करना है जब कोई पर्सन आउट ऑफ वे जाके आपकी हेल्प करता है मान लो उन्हें कहीं पे नहीं जाना है या कोई काम है आप किसी से करते हो किसी से डायरेक्शन लेते हो उन्हें कहीं और जाना है या उन्हें कुछ और काम है लेकिन वो फिर भी आपकी हेल्प करते हैं आउट ऑफ वे जाके उस टाइम पे आप उनको बोल सकते हो आई रियली अप्रिशिएट दैट इसके बजाय इसके अलावा अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है अगर आपने किसी को डायरेक्शन दी कोई आपको धन्यवाद बोलता है तो आपको क्या करना है उनकी थैंक यू को एक्सेप्ट करना है बाई सेइंग वेलकम और यू आर वेलकम आप उनको या तो वेलकम बोल सकते हो या फिर यू आर वेलकम बोल सकते हो उसके बाद डायरेक्शंस के बारे में अगर आपको किसी को बताना है आप लैंडमार्क्स का यूज़ कर सकते हो जैसे लैंडमार्क क्या होता है कोई भी ऐसा ऐसी बिल्डिंग या जाना माना प्लेस जो जहाँ पे आप जाना चाहते हो उसके नज़दीक कोई है कोई ऐसी फेमस बिल्डिंग है कोई फेमस स्टैचू है म्यूज़ियम टाइप है कुछ भी ऐसा आ, ऐसी चीज़ कोई भी ऐसी जगह जो फेमस है हम उसे एज अ लैंडमार्क यूज कर सकते हैं इट इज़ वेरी हेल्पफुल इफ़ यू मैंशन लैंडमार्क लैंडमार्क क्या होता है प्लेस विच आर वेल नोन और इजी टू लोकेट लाइक ए बस स्टैंड ए लेक ए ब्रिज बिग ऑफिस एंड स्कूल एक्सेट्रा वाई गिविंग डायरेक्शंस ये और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा अगर आप किसी को डायरेक्शंस देते टाइम लैंडमार्क का यूज़ करोगे लैंडमार्क कोई भी जाना माना जाने मानी जगह होती है जो इजिली कोई भी पर्सन ढूंढ सकता है जैसे कि बस स्टैंड है कोई लेक है कोई ब्रिज है बिग बड़ा ऑफिस है या फिर स्कूल्स है अगर आप किसी को डायरेक्शंस देते हो किसी जाने वाले जगह के बारे में तो आप क्या करते हो लोकेशन का यूज करते हो पोजिशन का यूज करते हो लोकेशन और पोजिशन जैसे वर्ड्स हैं, इनको क्या कहा जाता है इंग्लिश में प्रीपोजिशंस प्रीपोजिशन क्या होता है विच शो पोजिशन दे आर सम अदर प्रिपोजिशन विच आर यूज टू शो टाइम बट इन दिस लेसन पोजिशन वर्ड्स जैसे कुछ और बहुत सारी प्रीपोजिशन होती है यूज होती है लेकिन इस सेशन के अंदर हम कुछ ही वर्ड्स को यूज करेंगे जो कि पोजिशन वर्ड्स हैं, पोजिशन बताने के लिए जो यूज होते हैं जैसे कि ऑन है नियर टू है अपोजिट है या फिर इन फ्रंट ऑफ उसके बाद नेक्स्ट दिया गया एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है जैसे डायरेक्शन टू कोस्मोसमोल किसी को कॉसमोस मॉल जाना है तो वहाँ जाने के लिए आप कैसे कैसे किसी को डायरेक्शंस दे सकते हो अलग अलग तरह से आप उनको रास्ता बता सकते हो लैंडमार्क्स का यूज़ कर सकते हो जैसे सबसे पहला तरीका क्या है आप उनको बता सकते हो कॉस्मोस मॉल इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस जो कॉस्मोस मॉल है वो पोस्ट ऑफिस के नेक्स्ट है उनसे अगला ही है दूसरा तरीका क्या है कॉस्मोस मॉल इज नियर द ड्राई क्लीनर अगर कोई फेमस ड्राई क्लीनर है तो आप बता सकते हो कि कॉस्मोस मॉल है वो ड्राई क्लीनर के पास है तीसरा तरीका क्या है कॉसमोस मॉल इज अपोजिट टू द पेट्रोल पंप। आप किसी को बता सकते हो जो कॉसमोस मॉल है वो पेट्रोल पंप के अपोजिट में है फोर्थ तरीका क्या है कॉसमोस मॉल इज ऑन द ब्रिगेड रोड जो कॉस्मोस मॉल है वो ब्रिगेड रोड के ऊपर है लास्ट थिंग जो वे है आप अगर आपको बताना है कॉस्मोस मॉल इज ऑन ब्रिगेड रोड नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस एंड अपोजिट द पेट्रोल पंप जैसे ही ये सबसे बेस्ट है अगर आप उनको लैंडमार्क भी बता दोगे सारे डायरेक्शन उनको क्लियरली दे दोगे तो इसमें सब कुछ बताया गया है तो कोई भी पर्सन इजिली वहां पर पहुंच जाएगा जो कॉस्मोस मॉल है वो ब्रिगेड रोड के ऊपर है पोस्ट ऑफिस से नेक्स्ट है और पेट्रोल पम्प के अपोजिट है तो अगर आप किसी को ऐसे डायरेक्शन दोगे तो ईजिली वो पर्सन वहाँ पे पहुँच जाएगा उसके बाद नेक्स्ट दी गई है आपकी एक्सरसाइज द ब्लैंक्स दिए गए हैं यूजिंग द गि प्रोपोजिशंस चार प्रिपोजिशंस दी गई हैं चार फिल इन द ब्लैंक्स है आपको सही प्रिपोजिशन का कर यूज करके सेंटेंस को फिलअप करना है जैसे फर्स्ट वन इज गो डैश द ब्रिज एंड ऑन द अदर साइड यू विल सी ए पार्क जैसे ब्रिज के ऊपर जाओ और दूसरी तरफ आपको पार्क दिख जाएगा तो इसमें क्या आ सकता है अक्रॉस ऑफ इन टू ओ टू टू इन चारों में से क्या आ सकता है वो आपको चूज करना है नेक्स्ट वन इज टर्न लेफ्ट डैस असीसिया लेन तो टर्न लेफ्ट असीसिया लेन, लेन से लेफ्ट टर्न करना है तो टू द दसीसिया लेन आएगा इन टू आएगा क्रॉस ऑफ ये आपको चूज करना है गो पास द न्यूज़ पेपर शॉप एंड कैरी ऑन अंटिल यू कम डैश ए ब्रिज आपको न्यूज़ पेपर जो शॉप है उसके साथ साथ जाना है उसके बाद क्या करना है जब तक आप ब्रिज तक ना पहुंच पहुँचाओ आपका चलते रहना है गो आउट डैश द बिल्डिंग एंड टर्न लेफ्ट आपको उस बिल्डिंग तक जाना है उसके बाद लेफ्ट टर्न लेना है तो आपको सही ऑप्शन है वो चूज़ करना है उसके बाद है फिल एमसी है चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको एक ऑप्शन है जो बेस्ट है वो चूज़ करना है ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट वे ऑफ थैंकिंग सम वन अगर आपको किसी को धन्यवाद बोलना है तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है थैंक यू थैंक्स आई रिले अप्रिशिएट दैट ऑल ऑफ द अबो जैसे हम थैंक यू बोलने के लिए ये सारे ही फ्रेजेस सही हैं सभी फ्रेजेज का हम यूज़ कर सकते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबो उसके बाद है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्शन so देनी है ताकि वो स्कूल से इजिली आपके घर तक पहुंच जाए तो आप कैसे उनको अपने घर के लिए डायरेक्शन दोगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको सब्जेक्टिव वे में इसका आंसर करना है उसके बाद आता है इस पर्टिकुलर से हमने क्या क्या सीखा जैसे हम पोलाइटली वे में पोलाइट वे में किसी को कैसे डायरेक्शन्स दे सकते हैं अगर हमें किसी से डायरेक्शन्स लेनी है तो हम कैसे ले सकते हैं अगर किसी ने हमारी डायरेक्शन्स हमें दी हैं या हमने किसी को दी है तो लास्ट में क्या करना है हमें थैंक यू बोलना है अगर कोई पर्सन हमें थैंक यू बोल रहा है उसको जो थैंक यू है वो हमें एक्सेप्ट करना है डायरेक्शन्स दे, देने के लिए हमें कौन कौन सी करेक्ट प्रपोजिशंस है पोजिशन वर्ड्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए अगर इस और लैंडमार्क का क्यों कैसे यूज़ करना चाहिए अगर इस सेशन के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको डाउट है जो आपको क्लियरली समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो इसके अलावा फर्स्ट यूनिट में से किसी भी सेशन के अंदर आपको कोई भी डाउट है वन टू फोर्टीन सेशन चौदह के चौदह सेशन में से किसी भी सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट के बारे में किसी भी पर्टिकुलर पूरा का पूरा सेशन अगर कोई समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास हम लेंगे सेकेंड यूनिट से स्टार्ट कर देंगे हम विच इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल तो तब तक आप फर्स्ट यूनिट है जो आपकी उसकी रिविजन कर लीजिएगा ओके स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ